Welcome to my channel guys. In this video, I am comparing iPhone 14 with S21 FE 2023 edition in terms of camera section only. Also, there is 20K price difference between these smartphones. So keeping this in mind, let's start the video. Both these smartphones have 12 megapixel main camera. So guys, इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो है यहाँ पर टेलीफोटो लेंस में, क्योंकि S21 FE है उसके पास यहाँ पर दोस्तों टेलीफोटो लेंस है 3x का, वेयर एज जो iPhone 14 है उसके पास कोई भी टेलीफोटो नहीं है। ऊपर से जो S21 FE है उसके पास बेटर जूम रेंज है यहाँ पर, वेयर एज जो iPhone है उसके पास जूम रेंज भी दोस्तों हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है S21 FE के मुकाबले में। iPhone के पास दोस्तों 1x पोर्ट्रेट ऑप्शन है खाली, और यहाँ पर 3x तक हम पोर्ट्रेट ले सकते हैं S21 FE में, जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हमें कैमरा में ही देखने को मिल जाती है S21 FE के हार्डवेयर में। दोस्तों अगर हम देखें 1x के शॉट यहाँ पर सबसे पहले, तो जो iPhone 14 में यहाँ पर दिक्कत है वो सेम iPhone 13 वाली है कि भाई ये जो शेडो वाले एरिया है वहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं शो करता है। जहाँ पर आप S21 FE में देख सकते हो शेडो वाले एरियाज में काफ़ी ज़्यादा लाइट अच्छे से दिखाई गई है, और वहाँ पर डिटेल्स भी हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाती है। अदरवाइज डायनामिक रेंज दोनों ही फोटो में आपको सिमिलर देखने को मिलेगी, लेकिन S21 FE को मैं थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये अंडर लाइट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी में फ़ोटो ली गई है, तो देखने से दोस्तों यहाँ पर S21 FE की फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि कलर्स अच्छे हैं, लेकिन जूम करने पर दोनों ही फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती है। तो डिटेल्स के मामले में दोनों ही फ़ोन यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि विजिबल है सब कुछ जितना भी हम देख सकते हैं। उसके बाद iPhone 14 की भाई ये वाली इमेज मुझे S21 FE से अच्छी लगी, क्योंकि iPhone 14 का कैमरा कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन करके रखता है। तो जब आप 10 फोटो लोगे तो उसमें से 8 फोटोज ही S21 अच्छी निकालता है। अब देखिए दोस्तों, अगेन यहाँ पर एक और फोटो ली है, ये दोनों ही फोटो दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छी आई है, आप देख सकते हैं भाई, और ऊपर से यहाँ पर कलर्स काफ़ी अच्छे निकाल रहे हैं दोनों ही फ़ोन। अब देखिए दोस्तों, अगर हम अल्ट्रा वाइड शॉट की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड शॉट दिए गए हैं हमें, लेकिन दोस्तों अगर हम इसको जूम करके देखें, क्योंकि डायनामिक रेंज दोस्तों सेम है, तो जूम करने पर भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर वर्क है भाई डे लाइट में, तो काफ़ी अच्छा दोनों ही फ़ोन कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी हम बोल नहीं सकते कि हाँ भाई ये ज़्यादा विनर है। ऊपर से हमने बात की थी दोस्तों टेलीफोटो लेंस की, तो बेनिफिट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। S21 FE के पास है टेलीफोटो लेंस, वो भी 30,000 रुपये में भाई, ये 30,000 रुपये में मिल रहा था इंडिया में। तो आप कुछ इस तरीके के यहाँ पर शॉट्स निकाल सकते हो टेलीफोटो लेंस से, जो कि आप iPhone 14 से तो भाई बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। तो जो कलर्स है, डिटेल्स है, डेप्थ इफेक्ट है, वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यार, डिटेल्स काफ़ी अच्छी है, एज डिटेक्शन प्रॉपर यहाँ पर ये देता है, तो एज डिटेक्शन भाई सैमसंग का मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वहीं iPhone के पास दोस्तों जो जूम की क्वालिटी है यार, वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि S21 FE यहाँ पर 30x जूम कर सकता है, तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई 30x है, इसमें सिर्फ आपको 10-12x देखने को मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा कम जूम रेंज है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं हम वीडियो सेक्शन की, तो iPhone दोस्तों वीडियो सेक्शन का यहाँ पर हमेशा ही किंग रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर iPhone 14 के साथ मैं आपको इसका कैमरा कंपेयर करा के बताता हूँ कि आपको क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शंस की, तो दोनों ही फ़ोन में आप 4K तक की वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो 60 फ्रेम पर सेकेंड पर, दोनों ही कैमरा से बैक और फ्रंट में, तो ये काफ़ी ऑप्शन है। लेकिन भाई S21 FE यहाँ पर डाउनग्रेड हो जाता है जब आप एक्शन मोड ऑन करते हो दोनों फ़ोन में, ये सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर भाई iPhone 14 काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि एक्शन मोड में भी दोस्तों ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है अप टू 60 FPS तक। तो वहाँ पर दोस्तों S21 FE थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है वीडियो के मामले में जब आप एक्शन मोड यहाँ पर ऑन करते हो, तो ये डिफरेंस आपको देखने को ही मिल जाएगा जब हम वीडियो बनाएंगे एक्शन मोड में। तो वहाँ पर क्वालिटी जो iPhone 14 की काफ़ी अच्छी है भाई, लेकिन जब हम यहाँ पर 1080p 60 फ्रेम पर वीडियो बनाते हैं, तो मैं भाई यहाँ पर आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो जो कलर्स है भाई S21 FE में काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, डायनेमिक रेंज बहुत ही सही है S21 FE की अगर हम बात करें मेन कैमरा की यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों स्टेबिलिटी की, तो वो मुझे iPhone 14 की काफ़ी अच्छी लग रही है, और लेकिन जो S21 FE है उसमें आप कैमरा चेंज कर सकते हो भाई फ्रंट से बैक में ऑन, जब हम वीडियो बना रहे हैं उसी टाइम पर। iPhone 14 में दोस्तों अभी तक ये हमें देखने को नहीं मिलता है, और ना ही iPhone 15 में हमें देखने को मिला।
बाकी बात करें एक्शन मोड की, तो आप क्लियरली विजिबल हो भाई यहाँ पर कि जो एक्शन मोड में क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर आईफोन 14 की, एंड जो स्टेबिलिटी है भाई वो भी आईफोन 14 की काफ़ी सही है। लेकिन बात करें डायनेमिक रेंज की, तो अगेन भाई S21 FE में कलर्स वगैरह आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जहाँ शेडो वाला एरिया है वहाँ तो भाई आईफोन काफ़ी गंदा वर्क करता है। उसके बाद इंडोर लाइटिंग में अगर हम बात करें तो दोनों ही फ़ोन की क्वालिटी हमें इक्वल सी देखने को मिली, दोनों ही फ्लिकर कर रहे थे आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम किसी एक को विनर नहीं बता सकते हैं। लेकिन इंडोर शॉट की मैं बात करूँ अगर, तो कूल टोन में भाई S21 FE फोटो लेता है और आईफोन थोड़ा सा यहाँ पर वार्मर टोन में चला जाता है, जिसके वजह से हमें लगता है कि कलर्स थोड़े कम आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आईफोन दोस्तों ऐसी फ़ोटो लेगा। और बात करें फ्रंट कैमरे की, तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है S21 FE में और आईफोन में 12 मेगापिक्सल की है, लेकिन डायनेमिक रेंज मुझे बेटर लग रही है S21 FE की। और थोड़े बहुत अगर कलर्स की बात करूँ तो वो भी मुझे दोस्तों यहाँ पर S21 FE में अच्छे लगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फ्रंट कैमरे से ली हुई कुछ फ़ोटोज़ की, तो भाई आईफोन थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी फ़ोटो ले रहा है, इसलिए मुझे S21 FE की अच्छी लग रही है। अगर आप देखने से बोलो भाई S21 FE काफ़ी अच्छी फ़ोटो ले रहा है, लेकिन इस फोटो में भाई दोनों ही काफ़ी अच्छे से फ़ोटो ले रहे हैं और जो एडजस्ट है लाइट की फेस पे वो भी काफ़ी अच्छी कर ले दोनों ही फ़ोन। तो एडजस्टमेंट के हिसाब से दोस्तों दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन डिटेल्स अगेन मैं बोलूँगा दोस्तों 32 मेगापिक्सल होने की वजह से सैमसंग S21 FE के पास थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ये तो दोस्तों फ्रंट कैमरे से कुछ लिए यहाँ पर सैंपल, और आप देख सकते हैं भाई दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट यहाँ पर इक्वल सा परफॉर्म करते हैं फ्रंट कैमरे में, लेकिन S21 FE के पास यहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेज है मेगापिक्सल की। और अगर हम बैक कैमरे की बात करें भाई, वीडियो सेक्शन में कम्प्लीटली आईफोन यहाँ पर बीट कर देता है S21 FE को, क्योंकि यहाँ पर ये 60 फ्रेम पर सेकंड पर एक्शन मोड में भी रिकॉर्ड कर सकता है, वेयर एज S21 FE यहाँ पर 30 फ्रेम पर करता है। उसके बाद दोस्तों टेलीफोटो लेंस होने की वजह से भाई फोटोज़ वगैरह आप S21 FE में अच्छी निकाल पाओ।